10 साल बाद आयोजित हुई 11वीं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास तभी हो पाएगा जब तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर काम करे। आंतरिक सुरक्षा की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्य सरकारों से लगातार सतर्क रहने और खुफिया सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करते रहने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वाजपेयी जी कहते थे कि भारत जैसे बड़े देशों में वाद विवाद बहस योजनाओं को प्रभावित करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि शिक्षा का मकसद है चरित्र का निर्माण, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ताकि खुद के पैरों पर खड़ा हुआ जा सके। 10 साल के अंतराल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2006 के बाद ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें खुशी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में ऐसे कम ही आते हैं जब देश का मुखिया और राज्यों के मुखिया साथ आकर कोई काम करे, लेकिन विकास तभी संभव है जब सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करे। उन्होंने केंद्र के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है वह साल 2014-2015 की तुलना में 21% ज्यादा है। 102 करोड़ लोगों को आधार कार्ड बांटे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों और स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग की अवधि में 2,87,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, जो पिछली बार से काफी अधिक है। इसके अलावा कैंपा कानून में बदलाव के जरिए बैंक में रखे हुए करीब 40,000 करोड़ रुपए को भी राज्यों को देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से खुफिया सूचना साझा करने को कहा, जिससे देश को आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से लड़ने में चौकन्ना तथा अद्यतन रहने में मदद मिलेगी। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम अपने देश को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उनके मुताबिक आंतरिक सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं की जा सकती जब तक कि राज्य और केंद्र खुफिया सूचना साझा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा चौकन्ना तथा अद्यतन रहना होगा। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्र राज्य संबंधों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। कई महत्वपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इस परिषद के सदस्य होते हैं। इस परिषद की पिछली बैठक 2006 में नई दिल्ली में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री के लिए नाबामी तुकी के स्थान पर पेमा खांडू को अपना नेता चुना है, जिन्होंने 2 निर्दलीय विधायक और 45 पार्टी विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अरुणाचल प्रदेश में शक्ति प्रशिक्षण से ठीक ठीक पहले तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में नाबाम तुकी ने मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया। इस घटनाक्रम के बाद में शक्ति प्रशिक्षण फिलहाल टल गया है। कांग्रेस ने अपने 20 बागी विधायकों को एकजुट करने के लिए खांडू को आगे किया है। खांडू ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है। दरअसल सीएम बदलने के पीछे कांग्रेस की बहुमत साबित करने की रहती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक खांडू के नाम पर पार्टी के साथ एकजुट हो सकते हैं। कांग्रेस के 20 बागी विधायक ने संकेत दिए थे कि पार्टी अगर नेतृत्व में परिवर्तन करती है तो बगावती तेवर छोड़कर पार्टी में वापस लौट सकते हैं। अगर ये विधायक सदन में कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो पार्टी के पास 35 विधायकों का समर्थन होगा। नेता चुने जाने के बाद खांडू ने 47 विधायकों के साथ होने का दावा किया और कहा कि मेरे पास कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है। पैच हमारे पास 45 विधायक है और 2 निर्दलीय विधायक है। आपको बता दें, इससे पहले नाबामी तुकी ने कहा था कि राज्य को युवा नेतृत्व की जरूरत। कंट्रोवर्शियल पाक मॉडल कंदील बलोच की हॉरर किलिंग, नाराज भाई पर गोली मारने का आरोप, आरोपी फरार। कुछ दिनों पहले ही अपने बोल्ड अंदाज से सुर्खियों में आई पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या कर दी गई है। खबरों के मुताबिक कंदील के छोटे भाई ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। खबरों के मुताबिक कंदील का भाई चाहता था कि वो मॉडलिंग छोड़ दें।
कुछ दिनों पहले ही कंदील अपना शहर छोड़कर कहीं और चली गई थी और बताया था कि इन्हें जान का खतरा है। बलोच अक्सर क्रिकेट से जुड़े बयानों के लिए चर्चा में रहती थी। हाल ही में कंदील की दो शादियों की बात सामने आई थी जिससे उनका परिवार नाराज था। शुरुआती रिपोर्ट में कंदील को गोली मारे जाने की बातें कही गई थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उनका गला दबाया गया है। पुलिस ने उनके पेरेंट्स को कस्टडी में ले लिया है। आपको बता दें, कंदील बलोच पाकिस्तानी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस थी। इन्हें सोशल मीडिया की ड्रामा क्वीन कहा जाता था। कंदील का असली नाम फौजिया अजीम था। ऐसी खबरें थी कि कंट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में कंदील बलोच नजर आने वाली थी। एक हफ्ते पहले इनका एक म्यूजिकल वीडियो बैन इंटरनेट पर रिलीज हुआ था जिसे काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। मूसलाधार बारिश से दिल्ली और एनसीआर तरबतर हो गया। तेज बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई। राजधानी के राजीव चौक, नोएडा, दिलशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, मयूर विहार, न्यू अशोकनगर समेत कई इलाकों में बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों के चलने में दिक्कत आ रही है। नालों की सफाई नहीं होने से पानी सड़क से उतर नहीं पाया और सड़क पर ही जमा हो गया। वाटर लॉगिंग के कारण दिल्ली और एनसीआर की रफ्तार भी थम गई। जगह जगह जाम की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली में 43.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दो घंटों में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ लोनी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव, पलवल, होडल समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और आसपास के इलाके में हुई झमाझम बरसात से यहां का मौसम सुहाना हो गया। हालांकि सुहाने मौसम के बीच हुए जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर में तनाव को देखते हुए अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने LOC के पास सौजिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। खबर के मुताबिक आतंकवादियों के एक दल ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। सीमा पर तैनात जवानों ने आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में आते देख मोर्चा संभाल लिया और उन्हें अपने हथियार डाल रहा। इतने में आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल SD गोस्वामी ने बताया, नियंत्रण रेखा के इस ओर आतंकवादियों के एक समूह ने घुसपैठ किया और पुंछ जिला के साजियान इलाके में सैनिकों की उनके साथ गोलीबारी हुई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने कल रात 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिन्हें उपचार के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल तनाव को देखते हुए अमरनाथ यात्रा। प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट सटीक साबित हुआ। पूरे प्रदेश में भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश ने अपना असर दिखाया है। राजधानी हो चाहे कुमाऊं का हल्द्वानी शहर, हर शहर पानी से तरबतर हुआ और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील के लिए निर्धारित मानक तक भर चुकी है, जिससे आसपास के लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। परियोजना की झील के किनारे बसे ग्राम पंचायत धारी के अंतर्गत थैलीसैंण गांव में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 11 भवन डूबने की खबर है। वहीं डूंगरीपत गांव में राम जानकी मंदिर झील में समा गया है। दूसरी तरफ इसी इलाके में 58 ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी खतरे की जद में है। नदी का रुख दूसरी तरफ होने से कटाव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के बारिश के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि पूरे प्रदेश में जो मौसम विभाग ने कहा वही सटीक साबित हुआ। हल्द्वानी में 100 मिलीमीटर, मसूरी में 96 मिलीमीटर, अल्मोड़ा में 88 मिलीमीटर, देहरादून में 74 मिलीमीटर, श्रीनगर में 88 मिलीमीटर, घनसाली में 70 मिलीमीटर और उखीमठ जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजधानी में सुबह 11 बजे से रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि वो तैयार रहें और रोड ओपनिंग पार्टियां एक्टिवेट करें। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी अपील की है, यदि बहुत जरूरी ना हो तो अगले यानी आज और कल पहाड़ों की ओर न जाकर ही घर में सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य विभाग में अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में अधिकारी अटैचमेंट समाप्त करने के बजाय अभी भी चहितों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय में अभी भी तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो अटैचमेंट पर तैनात किए गए हैं, लेकिन अधिकारी उनको वहां से भेजने के बजाय वहीं पर ही जमाए बैठे हैं।
स्वास्थ्य विभाग में चहीतों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले तो अटैचमेंट का खूब खेल खेला गया और जब फजीहत होने लगी तो अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। लेकिन अब ऊंची पहुंच रखने वाले चिकित्सक भी अपनी मूल तैनाती पर जाने को तैयार नहीं है, जिससे अब हरीश रावत सरकार का फैसला खुद उन्हीं पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक दावा कर रही हैं कि जो चिकित्सक अपनी मूल तैनाती पर नहीं जाएगा उनका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि वो अटैचमेंट का लाभ लेने वाले चिकित्सकों की संख्या बताने से भी बच रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अटैचमेंट का खेल इतना बड़ा है कि पहाड़ी इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ही नसीब नहीं हो रही हैं। वहीं डॉक्टरों को भी अब पहाड़ों पर मरीजों को देखने के बजाय बाबूगिरी करने में ज्यादा मजा आने लगा है। पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों को भेज पाने में खुद सरकार भी नाकाम साबित हो रही है। शहीदों को लाभ पहुंचाने के लिए अटैचमेंट पर महानिदेशालय और सीएमओ ऑफिसर्स में अटैच किया गया है, जिसे डॉक्टर भी अब बाबूगिरी करना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सूबे की हरीश रावत सरकार अब सवालों से घिरे अफसरों को भी पूरा संरक्षण दे रही है। यूपीसीएल एमडी एसएस यादव का मामला इसी का उदाहरण नजर आ रहा है। पहले सीएम के पूर्व सचिव मोहम्मद शाहिद और अब यूपीसीएल के एमडी एसएस यादव, इन दो अफसरों के साथ एक खास बात ये जुड़ी है कि दोनों के स्टिंग आए जिनको लेकर वो सवालों के घेरे में रहे, लेकिन सूबे के मुखिया हरीश रावत इन अफसरों की पूरी पैरवी करते रहे। मोहम्मद शाहिद को तो डीओपीटी के कड़े रुख के कारण कम से कम अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्रदेश से रुखसत होना पड़ा, लेकिन 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा कर रहे एसएस यादव पर फैसला प्रदेश सरकार को ही लेना है, लिहाजा उन्हें सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी भाजपा ने एसएस यादव का स्टिंग जारी किया था जिसमें वो पैसे लेते नजर आए, लेकिन जांच की बजाय सेवा विस्तार से नवाजने में सरकार जितनी दिलचस्पी दिखा रही है उससे साफ है कि पारदर्शी प्रशासन से ज्यादा अपने चहेतों को पद पर बनाए रखने की सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री का ये कदम विपक्षी भाजपा को रास नहीं आ रहा। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर किसी का काम अच्छा है तो क्या उसे भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी जाए। मिशन 2017 को लेकर कांग्रेस में किए गए बदलाव के बाद कल सभी चेहरे सूबे की राजधानी लखनऊ में नजर आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट शीला दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और सूबे के प्रभारी गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। मिशन 2017 को लेकर कांग्रेस में किए गए बड़े फेरबदल के बाद कल लखनऊ में सभी बड़े चेहरे नजर आएंगे, जिसमें सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, साथ ही सूबे के प्रभारी गुलाम नबी आजाद समेत संजय सिंह शामिल होंगे। जहां इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में खासी तैयारियां की गई हैं, वहीं कल शीला दीक्षित पहली बार लखनऊ में न सिर्फ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी बल्कि राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद भी इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सूबे में एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जान फूकी जा सके। कल जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री कैंडिडेट शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद होंगे, वहीं देखना होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकने के लिए आखिर क्या कुछ कहा जाता है। बदले की भावना से काम कर रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने लगाया आरोप, कहा उनके कार्यकाल में उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं और घोषणाओं पर अमल नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों बदले की नई रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। सीएम ने न केवल पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई विकास योजनाओं को बंद कर दिया, बल्कि हरक सिंह रावत द्वारा की गई घोषणाओं पर भी अमल नहीं किया गया। यह आरोप खुद पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता हरक सिंह रावत ने लगाए हैं। भाजपा नेता हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उन घोषणाओं का बिल्कुल भी कार्य आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो उनके कार्यकाल में उनके द्वारा की गई थी। इस बात की तस्दीक खुद कृषि विभाग के कर्मचारी भी कर रहे हैं। जैविक खेती से जुड़े हुए कृषि विभाग के कर्मचारी इन दिनों आंदोलन पर हैं। वो उन घोषणाओं के पूरा होने की इंतजार कर रहे हैं जिनको खुद मुख्यमंत्री ने पूरा होने का वादा किया था। पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके द्वारा की गई घोषणाएं और नई योजनाओं को अगर आगे बढ़ाते हैं हरीश रावत तो इससे हरक सिंह रावत की वाहवाही होगी, लिहाजा वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते। पहाड़ में लगातार हो रही बरसात का असर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं पर भी नजर आने लगा है, जहां नदियों में बहकर आने वाले सिल्ट की वजह से कई जल विद्युत परियोजनाएं ठंडी पड़ चुकी हैं। बरसात के साथ ही पहाड़ में बिजली उत्पादन भी लड़खड़ाने लगा है। कई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पहले से ही एनजीटी का शिकंजा कसा हुआ है। दूसरी तरफ नई परियोजनाओं में भी केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने में आ रही दिक्कत यूजेवीएनएल की पेशानी पर बल डालने का काम कर रही है। सूबे में इस वक्त 120 मेगावाट की व्यासी,
और 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर उमाकांत पंवार का कहना है कि व्यासी में तो तेजी से काम हो रहा है, लेकिन लखवाड़ परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने फाइनल अप्रूवल जारी नहीं किया है, जिसके बाद ही काम में तेजी आ सकती है। ऐसे में अभी लखवाड़ परियोजना को लेकर लंबा और इंतजार करना होगा। ऊर्जा प्रदेश की भूमिका वाले उत्तराखंड में सिल्ट की वजह से जल विद्युत परियोजनाओं के सामने दिक्कत पेश आ रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मनमाने रवैये के चलते नई परियोजनाओं को भी मंजूरी नहीं मिल रही है। जाकिर नायक के समर्थक में उतरी कौमी एकता दल अफजल अंसारी ने खुद को जा बताया। जाकिर का कट्टर समर्थक, इस्लामिक धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नायक का मैं कट्टर समर्थक हूँ। उपयुक्त बात कौमी एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल अंसारी ने बलिया के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलकर एक बार फिर मीडिया के सुर्खियों में छा गए। आपको बता दें कि जाकिर ने कहा कि मेरे भाषणों ने आतंकवादियों को प्रेरित नहीं किया है। यह बात जब मीडिया में आई तब से देश में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अफजल अंसारी ने बलिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए थे। मन से बीएसपी सपा भाजपा का हाथ लेते हुए अफजल अंसारी ने बताया कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनेगा, जिसमें प्रदेश के बाहर गैर बीजेपी पार्टी इस मोर्चे में शामिल होगी। श्रावस्ती पहुंचे सीएम अखिलेश यादव के सामने शिक्षा महकमे की पोल उस समय खुल गई जब स्कूल की किताब एक भी बच्चा नहीं पढ़ पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के अति पिछड़े जिले श्रावस्ती के जनजाति एवं थारू बाहुल्य गांव मोतीपुर कला को गोद लिए जाने के बाद श्रावस्ती जिले से प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना हौसला पोषण मिशन का शुभारम्भ करने अपने निजी सलाहकार आलोक रंजन एवं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल के साथ पहुंचे, जहां पर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर जिले का सारा प्रशासन कड़ी कसरत में जुटा हुआ था। लेकिन सारी तैयारियों की पोल उस समय खुलकर बाहर आ गई जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बच्चों की क्लास में एंट्री करके पढ़ाई का टेस्ट लेने लगे, जिसमें स्कूल में उपस्थित एक भी बच्चा किताब नहीं पढ़ सका। एक भी बच्चे की किताब न पढ़ पाने की वजह से सीएम अखिलेश यादव ने कड़ी नाराजगी जताई और महिला बीएसए की जमकर फटकार भी लगाई। कैटरीना कैफ का आज बर्थडे है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एंट्री भी मार ली है। कैटरीना कैफ ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को तोहफा भी दिया। कैटरीना कैफ आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर उनसे जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो उनके प्रशंसकों के दिलों को खुश कर सकती है। जी हाँ, कैटरीना ने सोशल मीडिया पर दमदार एंट्री मारी है। फेसबुक पर कैट ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काफी हॉट लग रही है। सोशल मीडिया पर वैसे तो ज्यादातर सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कैटरीना अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। इस वजह से उन्होंने खुद को अब तक इससे दूर रखा, लेकिन आखिरकार उन्हें इस बात का एहसास हो ही गया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने विचारों को खुलकर रख सकती हैं। सोशल मीडिया पर कैट के फैंस को उनका कितना इंतजार था, इसका पता इस बात से लग जाता है कि कैट के वीडियो अपलोड होने के साथ ही उनकी वॉल पर लाइक्स की झड़ी लग गई। कैट के बर्थडे पर उनको ट्विटर पर भी जमकर प्यार मिल रहा है। ट्विटर पर #कैटरीनाकैफ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कैटरीना कैफ जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बार बार देखो में नजर आएंगी और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है।